इतना मुश्किल था, 5000 से ज्यादा फिल्में थी जिनको हमें सेलेक्ट करना था, उन सब में से क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, किस तरह से आपके आगे लेके आना है। तो बिल्कुल अच्छी से अच्छी फिल्में हर जगह से, मतलब इंटरनेशनल सिनेमा हो, इंडियन सिनेमा हो, लैंग्वेज सिनेमा हो, हर जगह से लेके आना एक बहुत मुश्किल टास्क रहता है जागरण के लिए, लेकिन आप लोगों का प्यार जो है वो हर साल इस चीज़ को आसान बना देता है। तो शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे सीनियर जीएम जागरण प्रकाशन ग्रुप के विनोद श्रीवास्तव जी, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट जागरण फिल्म फेस्टिवल के मनोज श्रीवास्तव जी, सौमित्र रानाडे डायरेक्टर हैं आज की हमारी ओपनिंग फिल्म एल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है, श्री मानव कौल जो लीड एक्टर हैं एल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है मूवी में, और दीपक ठक्कर जी सीएसए महाराष्ट्र डीएस ग्रुप से। मैं चाहूंगा कि सभी लोग कृपया एक बार आगे आ जाएं और आज की शुरुआत लैंप लाइटिंग करके शुरू करें, तालियों में प्लीज कंजूसी ना करें। सभी में जागरण प्रकाशन लिमिटेड के श्री विनोद श्रीवास्तव जी से कि वो आए और सबसे पहले सौमित्र रानाडे जी को बुके देकर उनका श्री मानव कौल जी को बुके देकर स्वागत करें श्री विनोद श्रीवास्तव जी। डीएस ग्रुप के हमारे सीएसए महाराष्ट्र दीपक ठक्कर जी को बुके देकर स्वागत करें। तालियों में जरा जोर मुझे कम दिख रहा है, मूवी उससे ज्यादा जबरदस्त है, तो अगर अभी से माहौल बना देंगे तो देखने में मजा आएगा। थैंक यू सो मच सर। अब मैं गुजारिश जिनकी एक फिल्म है आरजू, वो हम यहाँ पर उनको एज अ ट्रिब्यूट फेस्टिवल में दिखा रहे हैं, और दूसरे हैं जी वी अय्यर साहब कर्नाटका से, हु वॉज बॉर्न इन 1917 एंड जिनको भीष्म पितामह कहते हैं कन्नड़ सिनेमा का, उनकी सेंटिनरी है। तो ये दो बहुत स्पेशल फिल्में हैं, आदि शंकराचार्य और आरजू, जो हम इस फेस्टिवल में प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा ये फेस्टिवल जो है इस बार होमेज पे कर रहा है 3 फिल्म पर्सनालिटीज़ को जो इस साल हमें छोड़कर चले गए, जिनमें ओम पुरी साहब हैं, विनोद खन्ना साहब हैं और इमा लागू जी हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेंच एक्ट्रेस हैं जिन मोरू, उनकी एक फिल्म है जूल से जिम जो हम दिखाएंगे, इट्स अ फ्रेंच फिल्म, और जो और एक स्पेशल प्रोग्राम है इट इज़ कॉल्ड रिमेंबरिंग थ्रूफो। तो जो लोग थ्रूफो के फ़ैन हैं, जो लोग फ्रेंच न्यू वेव के फ़ैन हैं, उनके लिए सिनेमा 50 साल बाद वापस हिंदुस्तान में स्क्रीन किया जा रहा है।
this is something special at the festival. Apart from all other sections, we have the Indian showcase. There is a jury headed by filmmaker Sudhir Mishra, and they are deciding on those 27 feature films which are in the competition section. Then there is World Panorama, which has a total of about 42 feature films. जिसमें से कुछ फिल्में जो हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा. दिस टाइम जागरण हैज अवार्ड इंस्टीट्यूटेड अ कैश अवार्ड आल्सो फॉर ऑल द फिल्म्स इन कंपटीशन. तो वर्ल्ड पैनोरमा की फिल्मों को भी अवार्ड 24 सितंबर को दिया जाएगा. दिस जूरी इज हेडेड बाय फिल्म मेकर राहुल रवेल, एंड द थर्ड जूरी दैट वी हैव इज फॉर जागरण शॉर्ट्स, विच इज हेडेड बाय एक्टर मेंटोर बैरी जॉन. सो दिस इज about the festival, which has Jagran shorts and all the normal sections. What is special at this edition of the festival is the knowledge series. You get an opportunity to come face to face with lots of people who have loads of experience. For example, Barry John will be here in this auditorium tomorrow talking about his experience and the people and the actors whom he mentored, jinko unhone bada banaya, unke saath कैसे डील किया और उनको कैसा बड़ा बनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया. फॉर व्हाट वाज इट अबाउट बैरी जॉन दैट ही शेयर्ड द लाइक्स ऑफ शाहरुख खान एंड मनोज वाजपेयी. सो यू कैन हियर हिम, यू कैन एक्चुअली मीट हिम पर्सनली टुमारो. लाइक दैट वी हैव अनदर लेजेंड हु इज अ लेजेंड नाउ, मल्लू सलूजा द एडिटर, हु एडिटेड लगान एज हिज फर्स्ट फीचर एंड नाउ ही हैज एडिटेड दंगल. And in between, of course, he has done Jodha Akbar and many, many films. This session is called Cutting It Right. So this is about editing, which actually talks about the difference between cutting and editing. So it would be a good opportunity. Then we also have a session on how Bahubali 2 was created. This is a session on VFX. And the chief of Makuta Films, Pete Davis, would be here to share his experiences. Anybody who wants to come to that masterclass, my only request is please do not carry any cameras because he has strictly forbidden that part. So nobody can record that part. Iske alawa, there is a Norwegian actor, he is also a professor at Oslo University, Morten Ruda. He would be conducting a session on Meisner's style of acting on the 20th of September. You will get to know these people during the course of this festival, and I really invite you to watch the films. We have some amazing content this year. Thank you very much. और बताएं कि आखिर एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा आता क्यों है? क्या एल्बर्ट पिंटो को कौन गुस्सा आता है? क्यों आता है? आता है कौन सी नहीं? Actually, I want to thank the festival. क्यों आता है खाली गुस्सा? कौन गुस्सा आता है? एक बड़ा नहीं था। एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? Actually, ये जो जर्नी है, ये जो फिल्म की जर्नी है, ये 30 साल पहले शुरू हुई थी. 1980 में जब सईद मिर्जा साहब ने ओरिजिनल फिल्म की थी बनाई थी. दैट टाइम आई वॉज अ स्टूडेंट एंड आई सॉ द फिल्म एंड लाइक ऑल ऑफ अस आई वॉज इटैलिक इंस्पायर्ड बाय द फिल्म एंड यू नो दिस इज वन ऑफ द फिल्म्स व्हिच मेड मी गो टू एफडीआई. बट ओवर द इयर्स आई हैव वंडर्ड हाउ पीपल आर नॉट मेकिंग वर्जन्स ऑफ दिस फिल्म. Anger has evolved, you know. Sound on that? And I think every 5 years we should be making this film. And in fact, the times that we are living in, I think we should be making this every day actually. So anyway, I've made my version and I hope you enjoy it. थैंक यू सो मच सर. मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर की फिल्म उसके शब्दों से ज़्यादा बड़ी होती है और जब लोग देखेंगे तो ज़रूर समझेंगे कि आपने आज क्या बनाया है और कैसे बनाया है. बिना किसी वक्त को ज़ाया किए जिस काम के लिए आप आ जाएँ तो वो भी हम लोग शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है. हो गया, हो गया.